बजाएं। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गेट इनटू अ सेगमेंट व्हिच ऑफ कोर्स आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू गाइस बजाएं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है एंड यस वी विल एक्सप्रेस ऑल योर ग्रेटिट्यूड फॉर द अनलॉक टीम व्हिच एक्चुअली इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब इन टेकिंग केयर ऑफ आवर सीनियर्स बजाएं जो व्हिच दे हैव टेकन अप एज अ मिशन एंड आपको मालूम है कि वी हैव विद अस टुडे रचना जावा हु इज डाइटिशियन एट अनलॉक पेस प्रोग्राम एंड वी थॉट वी शुड एक्चुअली टॉक टू पीपल हु आर डायरेक्टली गोइंग टू बी टॉकिंग टू योर पेरेंट्स योर लव्ड वंस बजाएं एंड टू यू योरसेल्फ if you're a senior listening to us right now and you're wondering whether it's a good choice for you to go and connect with the Onlock, we all know how difficult it is to actually follow a plan for ourselves. Hamara jo plan chhodega, agar khane ke baare mein hum log kitne lackadaisical lete hain attitude ki haan desi khana chal jata hai, no, we don't know what is benefiting us, what's not benefiting us. And of course, aapko to maloom hai, humne abhi is segment se pehle baat kare the, we're talking about how diabetes has become a big issue in our community, right? And that's something which, you know, we all want to be able to come together and make sure we all live a healthy life, right? Yeah. And सीनियर्स में तो और भी प्रॉब्लम हो जाता है एंड ऑफ कोर्स डायबिटीज यू नो इट आल्सो अबाउट डाइट कंट्रोल एंड एवरीथिंग सो व्हेन ऑन वी एक्चुअली टॉक टू रचना जी वेलकम हाउ आर यू डूइंग टुडे आई एम डूइंग गुड थैंक यू हाउ आर यू गाइस Wonderful. जब भी आपसे बात करती है तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हमें हाँ एग्जैक्टली एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल सेगमेंट दैट यू ब्रॉट अस इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट हेल्थी डाइट वी लर्न समथिंग न्यू दैट डे सो वी वांट टू आस्क यू टुडे रचना जी वन अदर कंसर्न जो नॉट ओनली एक्चुअली सीनियर्स में ही नहीं हमारे में बहुत सारे लोग इवन इन देयर 30s आर बीइंग डायग्नोस्ड विद डायबिटीज टाइप टू diabetes and but I want to ask you as a professional in this field what is it really that rampant diabetes especially in South Asian Indians kind of thing yes it is and overall I think in America as well but in South Asians as well I would say yes. wow and what is actually so ye diabetes kya hai I mean you know if you could what is considered well, when does somebody consider diabetic yeah and is it reversible I guess oh that's a good question Yeah, so to answer your first question, what is diabetes? So, जब भी हमारी body में हमारा blood sugar level control जो एक मतलब blood sugar level एक measure से ऊपर हो जाता है, जैसे कि हम consider करते हैं कि अगर आप का blood sugar normal level में रहता है, तो 100 और less होना चाहिए number. Okay. बट अगर वो 100 और 125 के बीच में रहता है तो हम उससे प्री डायबिटीज बोलते हैं और एक बार वो नंबर अगर 125 से ऊपर चला जाता है तो देन दैट इज डायग्नोस्ड एज बीइंग डायबेटिक तो हमारा बहुत जरूरी है कि हम अपना जो ब्लड में ब्लड शुगर लेवल्स हमारे होते हैं उनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है कि अगर वो नंबर हमारे हाई हो जाते हैं तो देन इट्स कैटेगराइज एज डायबिटीज कोई सिम्टम्स होता क्या रचना जी व्हेन समबडी इज हाई ब्लड प्रेशर शुगर या दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट आई थिंक दैट कभी कभी अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आर बीइंग डायग्नोस्ड आल्सो विद डायबिटीज व्हेन दे डोंट इवन हैव अ सिंगल सिम्टम दे डोंट इवन कम टू नो दैट दे हैव डायबिटीज अनलेस दे गो टू अ डॉक्टर एंड गेट देयर ब्लड वर्क चेक्ड एंड देन दे सी ओ माय गॉड माय नंबर्स आर सो हाई दोज आर आल्सो द केसेस बट कुछ केसेस ऐसे हैं जब किसी को सिम्टम्स आते भी हैं कि extra you know being extra thirsty wow. or there is sometimes unexplained weight loss or excessive urination these are the most common symptoms if somebody gets symptomatic after getting diabetes so I asked you a question so is this jab ye type 2 diabetes I know type 1 is not but type 2 diabetes is that reversible alone I would say I mean I don't want to say yes or no both but the thing is that if you keep a check on your lifestyle and make sure that you're making changes to what you have been doing and I think you can manage it much better okay. that's what I would say reversible hai ya nahi hai that's controversial right now but main zarur bolungi ki agar aap apne lifestyle ko change karenge aur apne खाने पीने के रूटीन को फॉलो करेंगे और जो भी आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है फॉर द ब्लड शुगर मैनेजमेंट तो डेफिनेटली आप इसको काफी अच्छे कंट्रोल में
रख सकते हैं once you have diabetes. तो रचना जी, मुझे आज पूछना था, because invariably senior citizens में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, high pressure. तो my question to you blood pressure, no, blood sugar. Sorry, blood sugar. I'm sorry. I'm also getting blood pressure right now. blood sugar का issue होता ही है, तो आप बताइए कि अगर how do you step in and how is that can you share with us the how you can support them with diet planning for seniors who actually come to you who actually come up with this high sugar blood sugar levels in them. So how do you support them? Sure. So as a dietitian, सबसे पहले जो मेरा role रहता है उनके साथ to help them make a diet plan is first मैं उनकी medical history और उनको कब से diabetes है, अगर वो कोई medications पे हैं उसके लिए already, और अगर उनका weight कैसे है, वो एक बहुत बड़ा factor है कि अगर कोई individual obese है, अगर उसका weight बहुत ज्यादा है जितना होना चाहिए, तो that's also a very big risk factor. तो वो मैं सब चेक करती हूँ पहले. और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुझे उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ कि अगर किसी के पास डायबिटीज है तो कैसे ब्लड शुगर को मैनेज करना है. सो आई स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट फूड्स दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके ब्लड शुगर को रेज करते हैं. कि कभी भी आप कोई भी फूड ऐसा खाएंगे जो कार्बोहाइड्रेट है, आपका ब्लड शुगर बॉडी में रेज होगा ही होगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं. द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर हियर इज दैट यू आर डूइंग अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर डायबिटीज एजुकेशन. एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको सेम टाइम पे एवरी डे खाना खाना है. यू हैव टू हैव अ कंसिस्टेंट रूटीन ऑफ ईटिंग एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एट ईच मील. Those are the two basic things which I always start with my patients at online. Oh, wow. This is something new because typically, you know, the kind of diets that we see, right? They'll say, okay, eliminate carbs. Don't eat this. Don't eat that. Like, you know, it's all. You're going to the wrong place. Go to Unlock, please. I still have a few years before I qualify. but actually, thank you so much. In fact, it's such a eye-opening thing for us. You know, we always, you know, yahan se sab log aise bolte hain. Hamare desi community aapko maloom hai, right? Iske bablo ki mummy ne aise bola. Yeah, you know, my bossy told me this. That's what we generally listen to. But listen to an expert on air is really helpful, actually. So, one thing that you said was that eating at the same time and the same amount of carbs every day. So, if you could talk to us about how this works in tandem with the heart healthy diet, jo aapne bataya tha, is that something that is catered individually for each client who comes into Unlock? Yes. So, I mean, jaise aapne hum डायबिटीज की बात कर रहे हैं और उसमें यह है कि अगर किसी के पास डायग्नोसिस है डायबिटीज का, जो भी हमारे पेशेंट्स, अगर किसी के पास डायबिटीज का डायग्नोसिस है तो ही मैं उनको ये वाली डाइट प्लान दूंगी. बट अगर अदरवाइज कुछ पेशेंट्स है जिनके पास कुछ हार्ट इश्यूज है या हाई ब्लड प्रेशर है, सो वी गो फॉर अनदर काइंड ऑफ डाइट विच इज कॉल्ड नो एडेड सॉल्ट डाइट, विच इज अ लो सॉल्ट डाइट फॉर हाई ब्लड प्रेशर और अ लो फैट डाइट फॉर हार्ट पेशेंट्स, राइट? जैसे आप पूछ रहे हैं, किसी के पास अगर डायबिटीज है और साथ में हार्ट इश्यूज भी हैं, सो दोनों टाइप की डाइट रेकमेंड करूंगी. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, दोनों टाइप की डाइट प्लान्स तब भी दिए जाएंगे इफ देयर इज अ मेडिकल हिस्ट्री और अ डायग्नोसिस बिहाइंड इट. सो ईच केयर प्लान इज इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन द मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. वंडरफुल. या And of course, Benjan, agar if any who what we're doing right now on air, we're talking to Rachna Java from Unlock Pace. She's a dietitian in the team of there, Benjan. Agar aap soch rahe hain ki aapke buzurgon ko aapko dekhbhal karne mein mushkil ho rahi hai, you can actually reach out to Unlock and get them enrolled in the program. Ye ek non-profit hai jiske bare mein humne baat kare, kaafi dinon se baat kare iske bare mein. And it's an excellent program. We get to meet wonderful individuals like Rachna ji over there. Contact this number 1-855-308-1095. Once again, 1-855-308-0195 is the number for you to reach out to Unlock Pace program, Manajan. Regardless of whether your individual, seniors in your home, your parents or your grandparents are with you, or if
even if they require extensive care as well, they can stay with you at home and still avail of this particular program. You know, their PACE program is such a wonderful program that's customized and tailored to the individual's needs. But they can go into a PACE center, or for that matter, can also receive the same level of care even at home. So, zarur contact kare unhe 1-855-308-0195. Again, 1-855-308-0195. Rachna ji is a dietitian with Onlock, and she's part of a big team, an interdisciplinary team that she has talked about before, with several different areas of care. So you can definitely take advantage of their wonderful program at Onlock. Thank you so much, Rachna ji, for joining us yet again today. We look forward to talking to you again in the near future. Tab tak ke liye, you know, thank you for all the work that you're doing at Onlock as well. Yep. Thank you very much. Most welcome. And it was nice being here again. Thank you very much. Thank you.